शिक्षकों, तो शिक्षक की मांग गलत क्या है? आए नहीं कि बस डंडा चलाने लगे और जिसके चलते ये मृत्यु हुई। एक तरफ जहां भाजपा कार्यकर्ता की मौत के बाद पूरा बिहार का सियासी माहौल गर्म हो रखा है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस मामले पर किस तरीके से रिएक्ट करें। जहां मनोज झा ने यह स्पष्ट तौर पर कहा कि ये ऐसी घटना नहीं है जो राजनीतिक साजिश या राजनीति के तौर पर की जा रही है, बल्कि ये एक प्रदर्शन था जो उग्र हुआ, जिसे प्रशासन ने अपने तरीके से, पुलिस ने अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश की। इसमें सरकार और राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं था। वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर भाजपा के सहयोगी और भाजपा काफ़ी उग्र हो चुके हैं। जहां चिराग पासवान ने नीतीश कुमार की ताबूत में आखिरी कील बताया, वहीं सम्राट चौधरी ने कहा कि अब किसी भी भवन का या परिसर का घेराव नहीं होगा, बल्कि अब नीतीश कुमार का घेराव होगा। भाजपा नीतीश कुमार को इस मामले में बख्शने के मूड में नहीं है। वहीं अब इस मामले पर जीतन रामाजी, जो कि एनडीए के एक और सहयोगी हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। पहले तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का ऐसा रुख नहीं रहा है, वो इस काम के लिए जाने नहीं जाते हैं। लेकिन यदि बिहार में पुलिस निरंकुश हुई है और बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठियां चलाई गई हैं महिला कार्यकर्ताओं के ऊपर और मृत्यु भी हुई है कई लोगों की, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतीश कुमार इतने बदल जाएंगे हमें नहीं पता था। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं जीतन रामाजी। आज की घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं समझता हूँ कि भाजपा कार्यकर्ता यहाँ कोई लाठी डंडा शस्त्र अस्त्र लेकर के नहीं चल रहे थे। वे लोग प्रजातांत्रिक तरीके से अपना जो मुखालफत होता है, अपना विरोध होता है, वो जताने के लिए आगे बढ़ रहे थे। और डाकबंगला चौराहा के बाद आगे प्रतिबंधित क्षेत्र माना जाता है, लेकिन डाकबंगला चौराहा प्रतिबंधित क्षेत्र में है या नहीं पता नहीं, लेकिन लाठीचार्ज प्रतिबंधित क्षेत्र से पहले ही से शुरू हो गई। उसमें बहुत सी औरतों को जो गिरे हुए हैं उनको मारा गया और लोगों को मारा गया, जिसमें आपके जरिए आपको सांसद हैं वहाँ का छपरा का उनके सिग्रीवाल साहब, उनके सर में चोट लगी है, बहुत से लोगों को चोट लगी है। और इसी संदर्भ में विजय सिंह जो जहानाबाद जिला के महामंत्री हैं भाजपा का, उनके सर में चोट लगी है। वो चोट की कल्पा के निवासी हैं और ऐसे बेरोजगार युवक हैं, इनके हिस्से में मात्र 3 कट्ठा जमीन पड़ती है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता कटिबद्ध रूप में थे, आज यहाँ आए थे, आज बढ़ चढ़ करके काम कर रहे थे। लगता है कि जान बूझ करके उनको मारा गया है और चोट लगी और उनका इलाज होते के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। ये बहुत बहुत निंदनीय है। हमको ये लगता है कि इमरजेंसी की पुनरावृत्ति हो रही है क्या? आज इस प्रकार की सरकार नीतीश कुमार जी अपने नाकामयाबियों को छुपाने के लिए इस तरह की प्रवृत्ति को काम कर रहे हैं। ये लोगों ने तो बजाबता बिहार विधान परिषद में कहा था कि हम मार्च करेंगे, जनता दल गठबंधन राष्ट्रीय भाजपा के लोग राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे। इसमें कौन बुरी बात थी भाई कि इसको रोकने की बात थी? वो लोग ढेला पत्थर करते हैं। जदयू के लोग कह रहे थे कि प्रतिबंध राज्यपाल महोदय को कैसे देते वो लोग अपना ज्ञापन, उसके लिए तो इन लोगों को प्रतिबंध करना चाहिए कि वहाँ जा कर के रोक करके इन लोगों का प्रतिनिधित्व मंडल को ले करके अपना राज्यपाल हाउस आना चाहिए। तो ये न करके उन्होंने लाठी चलाई, ये तो उचित बात नहीं है। हम लोग भी ऐसा किया है और जब ऐसा किया है और जब वहाँ पॉइंट पर पहुँचते थे हम लोग, तो वहाँ गाड़ियाँ लगी रहती थी, मजिस्ट्रेट होते थे, सब जो प्रतिनिधि हैं उनको बुलाया जाता था, 10, 5, 20 उन लोगों को ले करके राज्यपाल हाउस जाया जाता था जहाँ ज्ञापन दिया जाता था। अगर ऐसा होता तो ये घटना न होती। वो आए नहीं कि बस डंडा चलाने लगे और जिसके चलते ये मृत्यु हुई है, तो इसके लिए तो डायरेक्ट नीतीश कुमार जी जवाबदेह हैं। हम समझते हैं नीतीश कुमार जी डंडा चला देने से इनकी जो नाकामयाबी है वो छिप नहीं सकती है। आज फिजूल खर्ची का आलम हुई है, भ्रष्टाचार का आलम हुई है, और सचमुच में जो भाजपा का कहना है, जो तेजस्वी प्रसाद से मांग रहे हैं इस्तीफा, वो गलत क्या मांग रहे हैं?
जीतन मांझी 2-4 घंटा के अंदर किसी ने कहा कि हाँ वो दागी मंत्री हैं, तो आपका जमीर कहा कि नहीं जीतन मांझी से इस्तीफा लेना चाहिए, इस्तीफा जीतन मांझी से आपने ले लिया। मेवालाल चौधरी पर इसी प्रकार की कोई घटना घटी थी, चार्जशीट हुआ था या क्या, उनको आपने इस्तीफा दिलवा दिया, यही सदमा में वो भी उनकी जान चली गई। यही तेजस्वी जी थे 2016-17 में, उनके समय चार्जशीट हुआ था तो आपने कहा कि आप दीजिए स्पष्टीकरण, नहीं दीजिएगा तो उन्होंने समर्थन वापस लिया था और फिर NDA के शरण में चले गए थे। आज कौन ऐसी बात आ गई कि जब चार सीटेड हो गए तो फिर इनको रखने का क्या उचित है? इसका मतलब है कि नीतीश कुमार किसी के कब्जे में हो गए हैं, आज उनको ताकत नहीं है, उनको मोरल नहीं है कि कोई डिसीजन ले सके, और अपना डिसीजन न लेने की क्षमता के कारण ही आज उन्होंने डंडा और लाठी चलवाया। रही बात शिक्षकों की, तो शिक्षक की मांग गलत क्या है? वो लोग कह रहे हैं कि सरकारी का दर्जा दीजिए, सरकार का अधिकारी हमको मानिए, जो बहुत पहले से थे। अब सवाल है कि उनसे कम वेतन पाने वाले लोग इधर उधर हैं, वो सरकारी सेवक हैं, आज इनको सरकारी सेवक के रूप में अगर मान्यता हो तो पढ़ाई लिखाई में भी यदि कहीं कोई कमजोरी है तो सरकारी पर सेवकों पर जिस प्रकार से कार्रवाई होती है कर करके काम कराया जा सकता है। तो ये तो राज्य हित में मांग रहे हैं शिक्षक लोग अपनी मांग कि हमको राजकीय कर्मचारी का दर्जा दीजिए। हाँ, तो इस तरह से उन लोगों की मांग भी कोई गलत नहीं है, और जब उन लोगों का सही मांग के लिए और फिर तेजस्वी प्रसाद के इस्तीफा के बारे में अगर भाजपा कह करके इस काउंसिल में कि हम राज्यपाल के अंत तक के मार्च करेंगे, तो इन लोगों को उनसे लेना चाहिए था मेमोरेंडम। लाठी चार्ज किया और जिसमें कई एक लोग सिंगरीवाल MP साहब हैं, हम लोग घायल हुए और विजय सिंह के अंतर्गत हत्या हुई। हम करना चाहते हैं इसके लिए डायरेक्ट नीतीश कुमार जी जवाबदेह हैं, उन पर फौजदारी मुकदमा होनी चाहिए, और विजय सिंह का जहाँ तक सवाल है उनके परिवार के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपया का मुआवजा देना चाहिए ताकि उस परिवार को भरण पोषण हो सके, नहीं तो उनके 3 बेटियां हैं, 1 बेटा बेरोजगार है, आखिर उसका क्या होगा? इसलिए मैं मांग करता हूँ, और इस घटना की जांच की मैं नहीं मांग करता क्योंकि स्पष्ट इन लोगों ने मारा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी को संदेह हो तो इसकी जांच CBI से कराई जाए और मुआवजा के फलस्वरूप 1 करोड़ रुपया विजय सिंह के परिवार को दिया जाए, और इसके लिए नीतीश कुमार जी पर फौजदारी मुकदमा चालू। भाजपा कार्यकर्ताओं हॉस्पिटल में आ चुके हैं, देखिए BJP का जो लाठीचार्ज के कारण जब मृत्यु हुआ उसके बाद PM से देखिए जीतनराम मांझी पहुंच चुके हैं, यहाँ पे कुछ ही छोड़ने का उसे मतलब किया जा रहा है, लेकिन जीतनराम मांझी हम देखेंगे जीतनराम मांझी पहुंचे हैं और पोस्टमार्टम होगा बोली का उसके बाद BJP का डर वहाँ पे बढ़ते जाइए।
उन्हें एकदम लग रहा था कि खत्म करने वाला होगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं। जबकि एक भी दूसरा भी पुलिस घायल नहीं हुआ, कोई उपद्रव नहीं किया है, फिर भी पुलिस चल।